तो आज हम जाने वाले हैं मुरादाबाद। तो अभी कुछ तैयारी कुछ हो गई है, इंटो इंटो बाद में करेंगे, थोड़ा बाहर जाके थोड़ा जल्दी बात ही है। तो अभी दिखाता हूँ एक चीज़, ये देखो सारा अपना सामान वामान सब पैक हो गया है, बस एक उधर वीडियो अपलोड हो गई है अपनी लखनऊ सीरीज की, वो अपलोड हो जाती है तो फिर चलते हैं अपना उस लैपटॉप को रख के। बस लैपटॉप अपना बाकी है और अभी बज रहे हैं 2 और मेरी 5:30 की ट्रेन है। 4 बजे घर से निकलना है, लंच भी करना है, तो जल्दी से लंच करते हैं और पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। तो अभी प्रयाग जंक्शन पे है, इधर लगी है गांधी पुस्तक प्रदर्शनी जो हर 2 अक्टूबर को लगी है, गांधी जयंती इसलिए यहाँ पे लगी है। अब चलते हैं अंदर, ट्रेन आने वाली है अपनी, बुक ली है मम्मी ने, चलते हैं। बस बहुत है बहुत। तो अभी प्रयाग जंक्शन पे आ चुके हैं, अपनी ट्रेन है नौचंदी एक्सप्रेस SE2 कोच है, पीछे की साइड आएगा वहाँ जा रहे हैं, 5 मिनट में आती होगी ट्रेन और देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं वहाँ पे। जब ये ट्रेन में बैठना फिर बात करते हैं, अभी यहाँ करना ज़्यादा सही नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउड है अभी, तो यहीं पर सन्नाटा है। तो अभी जल्दी से चलते हैं, सामान वामान सब है तो चलते हैं आगे और ट्रेन में बैठने पर बात करते हैं आपसे। प्रयाग जंक्शन में पूरा जंक्शन है तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, अपनी ट्रेन बस इस साइड से आएगी, 2-3 मिनट में आती होगी। तो अभी हो गए 5:40 और हमारी ट्रेन राइट टाइम पे प्रयाग जंक्शन के प्लेटफॉर्म 1 से डिपार्ट हो चुकी है। तो अब देखते हैं, अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से मुरादाबाद जाना है, तो हमारी ट्रेन मुरादाबाद सुबह 4 बजे पहुँचेगी और लेट हो गई तो अभी 7 बजे भी पहुँच सकती है। देखते हैं राइट टाइम निकली है यहाँ से, और बैक 7 लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक ट्रेन किले में पहुँचती है, देखते हैं। और एक बार स्टेशन दिखाते हैं, प्रयाग स्टेशन पूरा यहाँ पे लाइट वो लगी हुई हुआ हुआ है, पूरा डेकोरेट हुआ था, ये कुंभ के टाइम पर पूरा डेकोरेट हुआ है अच्छे से। बस निकल गई है जंक्शन की ट्रेन हमारी, तो ये है प्रयाग जंक्शन और इससे पहले जाके प्रयागराज संगम, तो वहाँ से हम बोर्ड निकल के प्रयाग से बोर्ड करते हैं। पूरा यूनिवर्सिटी के पास पास है ये जगह, तो पर यहाँ पर तो वो खंडा खंडा सा है, चलते हैं बंदर बैठते हैं अपनी सीट पे। तो ये सामने आ गया था पापा माउ ब्रिज, सब लोग उधर बैठे हैं, साइड पर पॉइंट है पूरा, सब लोग साइड पर बैठ के निकाल गए, पूरा नीचे खाए थे पापा माउ ब्रिज है, हम लोग पीछे से रिकॉर्ड करो शायद आवाज़ ना आ रही हो। और एक बार देखो गंगा का पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है, पहले बहुत ज़्यादा सूखा था ये, बहुत ज़्यादा बढ़िया बारिश हो रही है और ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, मुझे पता नहीं आवाज़ आ रही होगी या नहीं। अगर देखो वो बाइक वाइक सब चल रही हैं, ऊपर बाइक चलती है, नीचे बंद है, लॉर्ड कर्जन ब्रिज है, उसके जस्ट पीछे लखनऊ हाईवे की रोड है, अगर अपनी ट्रेन चल रही है तो देखते हैं आवाज़ कैसी आती है इस वीडियो में, एक बार आगे से दिखा देता हूँ। अभी हम लोग हैं लखनऊ पे, हमारी ट्रेन 4:15 लखनऊ पहुँच चुकी है, तो हम देखते हैं चाय या कॉफ़ी कुछ मिलता है तो ये इतने में चलते हैं। तो अभी हमने लिया कॉफ़ी तो चलते हैं अंदर, जस्ट सामने इधर पीछे लिया कॉफ़ी। तो अभी लखनऊ स्टेशन पर उतर गए, आगे जाके देखते हैं कुछ खाने पीने का मिलता है या नहीं, आई होप तो चाहिए कोल्ड ड्रिंक की कैन, तो आगे जाके देखते हैं आई होप इधर होगी, इधर देख के आते हैं। तो यहाँ पे अभी अपनी हमारी ट्रेन रुकेगी 15 मिनट, तो आगे जाके देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं, तो पीछे तो है अंकल के पीछे घूमते हुए जा रहे हैं, तो आगे जाके देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। तो मेरे ख्याल से आगे कुछ है तो नहीं, ऐसे कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ। तो अभी हमने ये लिया है यहाँ से, तो छोटी बोर्डिंग तो थी नहीं, तो माउंटेन व्यू ये ही है, प्लेटफॉर्म 6 पे आई है अपनी ट्रेन। तो यहाँ पे हमारा स्कैम हो गया, हम भाग के आए वहाँ से, ट्रेन चली गई थी 5 से 10 मिनट पहले, भैया भी भाग के आए, तो अभी वापस रुक गई है, पता नहीं ड्राइवर क्या स्कैम कर रहा है हमारे साथ, तो अभी देखो वापस रुक गई यहाँ पे ट्रेन आके हमारी। तो ये है लखनऊ जंक्शन, यहाँ से हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है 10 मिनट पहले, तो ड्राइवर का थोड़ा ज़्यादा सस्ते नशे कर लिए थे ड्राइवर ने, अभी 10 मिनट पहले डिपार्ट कर दिए,
तो आई डोंट नो क्यों किया ये पूरा। हाँ भाई आ जाओ। तो अपनी ट्रेन का चलने का टाइम था 10:15 और ट्रेन चल गई अपनी 10:05 पे। मैं आगे गया था स्टेशन के एकदम एंड, तो अभी वीडियो बनानी जल्दी से भागा हूँ, बहुत तेज भागा हूँ एकदम, जो भाग के आगे ट्रेन पकड़ी गई। जर्नल कोच कनेक्ट नहीं है, अपना कोच आखिरी कोच है, करते हैं 7 से 8 कोच आया एकदम भाग भाग के आया, आके अपनी ट्रेन पकड़ी है। ट्रेन के अंदर अभी भी 10:07 हो गए और 10:15 पे डिपार्ट चल रहा, पता नहीं डिपार्ट क्यों कर दी इतनी जल्दी, और जो लोग देर से आए होंगे उनकी ट्रेन छूट गई, नुकसान तो हुआ ना लोगों का। तो 4:03 पे हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे मुरादाबाद पे, और होपफुली यहाँ पे लिफ्ट चल रही थी और लिफ्ट के पास ही आई अपनी ट्रेन। तो 4:08 का हम राइट टाइम पहुंच गए मुरादाबाद जंक्शन, हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं कोई रिक्शा मिलती है इस टाइम यानी सुबह के 4 बजे। पूरा अंधेरा है इस टाइम और बाहर एकदम उसकी RGB लाइटनिंग जल रही है बहुत अच्छी वाली, तो वो भी दिखाता हूँ। भैया क्या पीछे माइक और रैम्प लगा है वो भी देखते हैं। तो ये है मुरादाबाद जंक्शन की मेन बिल्डिंग, यहाँ से एंट्रेंस ऊपर देखो पंखा लगा है, ये रैम्प लगा है यहाँ पे न्यू एकदम, तो ये क्या अभी समझ में तो आ नहीं रहा, जब ये चलेगा तो समझ में आएगा। तो ये है मुरादाबाद जंक्शन जिसमें हम हैं, ये पूरा यहाँ का ओवरव्यू है। तो अब चलते हैं बाहर की साइड, इधर से जाना है बाहर, इधर की साइड देखते हैं ऑटो ऑटो कुछ अवेलेबल है, सन्नाटा पड़ा है, कुछ दिख तो रहा नहीं है, एक ही ऑटो पड़ा है। तो अभी सुबह 4 बजे मुरादाबाद पहुँचा था, आने के बाद सो गया था, तो अभी हम लोग घर से निकले हैं, शाम के बज गए हैं 5:30, और मेरे साथ हैं अभिजीत भाई, अभिजीत हेलो बोल दो। भाई सीन वाला नहीं बोल रहा, नॉर्मल बोल रहा है। तो अभी कंपनी बाग जा रहे हैं, अभी सीन ये है कि कुछ दोस्तों को वहाँ मिलने बुलाया, तो देखते हैं कौन कौन आता है, वहाँ जाते हैं कंपनी बाग और वहाँ की वीडियो शूट करते हैं।